Hey guys, what's up? Welcome back to my channel T3, that is Tag the Trend, and I am your friend Diksha. Welcome back to my channel. और सबसे बड़ी बात अभी आप देख रहे होंगे there is a different background और बहुत ही different जगह पर मैं खड़ी हूँ और इसके पीछे वड्डा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइटल से आप लोग समझ गए होंगे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं. तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में बात इसलिए की जाए क्योंकि लोग जो हैं आजकल अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं लेकिन स्टिल उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कहाँ से करें. वो जिमिंग कर रहे हैं, वो जुम्बा कर रहे हैं, वो एरोबिक्स कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर आकर वो सारी चीज़ें वो लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत सारे रीजंस इंक्लूड हो जाते हैं. एक तो नंबर वन, हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. हम लोग खाने में, सोने में, उठना बैठना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है, उसका कोई टाइम टेबल प्रॉपर नहीं है. सेकंड थिंग इज़ कि हम लोगों का काम करने का जो तरीका रहता है, कभी नाइट शिफ्ट्स होती हैं कुछ लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं और कुछ लोग पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहते हैं और कुछ लोग लेजीनेस की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं. तो मैं जो वर्कआउट करती हूँ मैंने सोचा उसके बारे में आप लोगों को क्यों ना कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की जाए जिससे आप लोग भी थोड़ा बहुत इंस्पायर हो और आगे चल के अपनी हेल्थ पर और अपने बॉडी पर फोकस कर पाए. तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ मुस्कान, मैजिन इंस्ट्रक्टर, जुम्बा इंस्ट्रक्टर. तो मुस्कान, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हेलो गाइस, माय सेल्फ मुस्किन मुस्कान चौधवानी फ्रॉम भोपाल एंड जिन मीन जुम्बा इंस्ट्रक्टर नेटवर्क. मुस्कान, हाउ विल यू एक्सप्लेन जुम्बा? जुम्बा इज अ डांस फिटनेस एक्टिविटी जिसमें अपन रेगुलर बेसिस पे डांस मूवमेंट्स, कुछ डांस मूवमेंट्स और बेसिक रिदम्स को फॉलो करके अपना वेट लॉस करते हैं. तो मुस्कान, ये जो जुम्बा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, डज इट हेल्प अस टू टोन आवर बॉडी? जुम्बा बहुत अच्छी फिटनेस एक्सरसाइज, बहुत अच्छा फिटनेस वर्कआउट है जिसमें अपन का पूरा बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व रहता है, पूरा कोर इन्वॉल्व रहता है एंड बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है. टाइम पर आके अपन का स्टेमिना बूस्टअप हो जाता है एंड जुम्बा वर्कआउट ऐसा है कि जिसमें अपन डांस भी सीख जाते हैं आगे चल के और अपन को जिसकी बॉडी बहुत स्टिफ रहती है उसकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एज इन जो बिल्कुल झुक नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उन लोगों की बॉडी उनकी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है और उनका मेन स्टेमिना बहुत इंक्रीज हो जाता है, बूस्ट हो जाता है. मुस्कान, ये जो हम लोग जुम्बा करते हैं इट हेल्प्स अस टू लर्न डांस एज वेल, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज रेगुलर बेसिस पे अपन जुम्बा इज अ डांस वर्कआउट, तो जुम्बा डांस वर्कआउट है इसलिए रेगुलर बेसिस पे इसको करते करते अपन डांस भी सीख जाते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे बेसिक रिदम ऐड रहते हैं जैसे मेरेंगे, साल्सा, रेगेटॉन, कुम्बिया. ये एक जुम्बा के अंदर रिदम्स हैं जो एक पर्सन को हेल्प करती है कि वो डांस भी सीख जाए. जुम्बा एरोबिक्स इसलिए डिफरेंट है बिकॉज जुम्बा का खुद का एक ट्रेडमार्क कॉपीराइट है और उसके अलग बेसिक रिदम्स रहते हैं. सो मुस्कान, हम लोग जो जुम्बा करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस करते हैं तो ये हम लोगों को किस किस अकॉर्डिंग बेनिफिशियल रहता है? मतलब हम लोग जुम्बा करके कैसे एनर्जेटिक फील करते हैं या कैसे हम लोगों को फ्रेशन अप करता है? जुम्बा मेनली डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रक्टर कितना एनर्जेटिक है. इंस्ट्रक्टर इज एनर्जेटिक देन लोगों में खुद ही एनर्जी आ जाती है. जैसे आज मैं एनर्जी से कराऊंगी तो यू विल गिव योर 100% टू. और मेन क्या होता है जुम्बा बेसिकली बॉलीवुड, हॉलीवुड, हिप हॉप ये सब सॉन्ग्स पे रहता है जो लोगों का माइंड फ्रेश अप कर देता है और उनका बिल्कुल टेंशन, डिप्रेशन सब खत्म करता है. जुम्बा लिटरली हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर माइंड एंड सोल, बिलीव मी, बिकॉज आई डू इट ऑन रेगुलर बेसिस एंड इट हैज़ हेल्प मी नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस बट इट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी टू इंक्रीज माई कॉन्सेंट्रेशन लेवल. मेरा काम करने का तरीका चेंज हो गया है एंड ऑल्सो बिलीव इट और नॉट बट आई हैव स्टार्टेड गिविंग माई 100% इन अदर वर्क टू. स्टेमिना बूस्टअप, यस, माई स्टेमिना हैज़ लिटरली बूस्टेड अप और मैं इस चीज़ पर भी ध्यान रखती हूँ कि मैं खा क्या रही हूँ क्योंकि मैं पूरा डाइट कॉन्शियस होती जा रही हूँ. इट इज़ बिकमिंग नेचुरल.
How many days in a week one should exercise? One should exercise at least 5 days in a week and not more than that, because zyada exercise ki bhi apan ki side effects hai. Isliye we have to do 5 days daily. अपन को अपनी बॉडी के लिए 1 आवर निकालना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी वर्कआउट हो, बट जुम्बा इज़ बेस्ट वर्कआउट फॉर ऑल. इट्स नॉट ओनली फॉर लेडीज बट फॉर ऑल. मॉर्निंग आवर्स बेटर है एक्सरसाइज से इवनिंग आवर्स? नो, मॉर्निंग इज बेटर देन इवनिंग, बिकॉज जितनी एनर्जी लेवल आपको मॉर्निंग में रहेगी उतना इवनिंग में नहीं रहेगा. इसलिए मॉर्निंग इज बेटर देन इवनिंग. और अगर टायर्डनेस हो जाए तो काम कैसे करेगा? टायर्डनेस बिल्कुल नहीं होता, आपका माइंड फ्रेश फ्रेशअप हो जाएगा और आप बिल्कुल टेंशन वगैरह सब रिलीव करके वो इन्जॉय करोगे वर्कआउट. जुम्बा वर्कआउट मतलब इन्जॉय, फन. जुम्बा मीन्स फन, बिकॉज हम लोग इसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करते हैं, हॉलीवुड सॉन्ग्स प्ले करते हैं, एंड इट्स लाइक यू नो यू स्माइल व्हाइल यू वर्क आउट, एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट थेरेपी दैट हेल्प्स. हाउ विल यू से कि वन शुड जॉइन जुम्बा इंस्टेड ऑफ जिमिंग एंड अदर एक्सरसाइजेस? मेनली जुम्बा इज सेफ वर्कआउट विच इंक्लूड आवर बॉडी, आवर कोर, आवर मसल्स, विच मेक्स आवर बॉडी फ्लेक्सिबल. और जुम्बा इज अ वर्कआउट है जो सेल्फ वर्कआउट है, अपन को कुछ करना पड़ता है, कोई मशीन की यूज़ नहीं है, नथिंग. और जुम्बा में अपन मेन फोकस करते हैं फैट लॉस पे, जिससे बॉडी टोनिंग एंड इंचेस लॉस बहुत जल्दी होता है इंस्टेड ऑफ वेट लॉस. एंड जिमिंग जिम पीपल फोकस ऑन वेट लॉस, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट वी शुड फोकस ऑन फैट लॉस. अगर एक बार बॉडी से फैट निकल जाएगा तो वो रिगेन नहीं होगा इजी. एग्जैक्टली, एंड दैट इज़ वाई आई गेस इट इज़ सेड कि आप जिम छोड़ दोगे और कुछ टाइम तक जिम नहीं कंटिन्यू करोगे तो आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है, आप वापस से उसी कंडीशन में आ जाते हैं. बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो लोग नॉर्मल जाते हैं जिम और छोड़ देते हैं, एंड कुछ टाइम बाद जस्ट डबल उनका वेट पुट ऑन हो जाता है. तो आई गेस दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड. सो जुम्बा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी गर्ल्स एवरी मंथ मंथली प्रॉब्लम जो रहता है लाइक पीरियड्स, तो उसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो क्या एक्सरसाइज करना उन डेज में बेटर है? नो, वी कांट डू एक्सरसाइज, बट अपन जुम्बा कर सकते हैं. नॉट ऑन फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे छोड़ के फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट जुम्बा इज़ बेसिकली अ डांस, डांस को अपन वैसे भी करते हैं और डांस करके अपना माइंड फ्रेशअप भी होता है. तो स्ट्रेचिंग एंड जिमिंग ना करने से और जुम्बा करने से, मतलब जुम्बा करने से और स्ट्रेचिंग एंड जिमिंग नहीं करने से बहुत फर्क है. और स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहिए, जिमिंग नहीं करना चाहिए, बट वी कैन डू जुम्बा ऑन दैट डेज. और आप मेरी T3 फैमिली को क्या सजेस्ट करोगे कि उनको अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, एक्सरसाइजेस किस अकॉर्डिंग करनी चाहिए और अपनी हेल्थ पर किस हिसाब से ध्यान देना चाहिए? मेन चीज़ रहता है डाइट, 20% होता है जुम्बा एंड 80% रहता है डाइट. अगर आपका डाइट प्रॉपर है तो ही आपको जुम्बा से कुछ फ़ायदा होगा या जिमिंग से कुछ फ़ायदा रहेगा. सी लाइक कोई भी मेडिसिन रहता है, मेडिसिन के साथ अपन को डाइट करना बहुत ज़रूरी है. परहेज करना बहुत ज़रूरी है, अगर अपन वो परहेज करेंगे नहीं करेंगे तो मेडिसिन किसी काम की नहीं. तो जुम्बा इज़ ऑल्सो लाइक अ मेडिसिन. अगर अपन सिर्फ मेडिसिन लेंगे और डाइट नहीं करेंगे तो अगर अपन सोचें कि बेनिफिट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा. बट अपन को जुम्बा के साथ डाइट भी फॉलो करना है प्रॉपर टाइम टू टाइम. ऐसा नहीं बोले कि सब छोड़ दो, जंक फूड खाना छोड़ दो, ऐसा नहीं है. अपन को टाइम टू टाइम एंड डे वाइज अपन को खाना खाना चाहिए, लाइक जंक फूड वंस इन अ वीक. एंड अगर अपन प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना खाएंगे तो सब अपना बॉडी का फैट इंक्रीज नहीं होगा और बॉडी हमेशा टोन्ड अप. ओके, सो आई गेस दिस वाज इनफ. और कुछ आप बताना चाहोगे? आई वांट टू आस्क यू व्हाट्स योर फीडबैक आफ्टर जॉइनिंग जुम्बा. ये बिजनेस वालों की बहुत गलत आदत होती है. वेल, जुम्बा ज्वाइन करने के बाद एज आई सेड लाइक मेरा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हुआ है, मेरा स्टेमिना इंक्रीज हुआ है. मैं सिर्फ 100% एक्सरसाइजेस में ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं बात अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई ओन बॉडी, एंड ऑनेस्टली मेरी स्किन में भी चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है. इट्स नॉट, आई डोंट नो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जुम्बा, बट इट इज़ लाइक आई डू टेक केयर ऑफ माई स्किन टू, बट मे बी वो कहीं ना कहीं. यस,
जुम्बा से इतना स्वेट होता है कि जो जो स्वेट होता है वो बॉडी में ऑटोमेटिकली ग्लो लेती है। या एंड इट्स लाइक मेरा टैनिंग जल्दी चला गया एंड लेजी से एनर्जेटिक हो गई। हाँ, लेजी से एनर्जेटिक हो गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले जब मैंने जुम्बा ज्वाइन किया था तो इट वॉज लाइक आई यूज टू डू जुम्बा फॉर अ डे एंड देन अदर डे आई यूज टू मिस माई क्लास बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी फील करती थी एंड टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वन टाइम नाउ यू आर कमिंग बिफोर टाइम, ये मेरी चैनल पे इंसल्ट है। बट एनी वेज इट हैपेंस और आप एडिक्टेड हो जाते हो एक्सरसाइज के वंस यू स्टार्ट डूइंग इट एंड वंस यू स्टार्ट फीलिंग इट तो डे उसके बिना इनकम्प्लीट रहता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर कुछ क्वेरीज हैं जुम्बा रिलेटेड या एक्सरसाइज रिलेटेड, हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मुस्कान को फिर अपने चैनल में लेकर आऊँ और आपकी क्वेरीज को मैं आंसर कर पाऊँ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर है। मुस्कान का इंस्टाग्राम हैंडल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो करना मत भूलना। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट संडे प्रोबेबली। तब तक के लिए चाओ।